मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सरफियन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 10.2 का। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करते हैं। बहुत ही आसान है, दो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट कर दिए हैं, यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, और थर्ड जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल दो मेथड से करूंगा जो आपको इजी लगता है, क्योंकि ये सेम सवाल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। बहुत आसान तरीक़ों से, दोनों तरीक़ों से हो जाता है जो मैं कर रहा हूँ। जिस मेथड से आप, इस मेथड से भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं जो आपको इजी लगे बेटा, वो कर लेना। सबसे पहले ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है टेन का। तो टेन अल्फा प्लस बीटा आ गया। टेन का फार्मूला लगाएंगे, टेन का फार्मूला बेटा क्या आ जाता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक हो गया, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। जो तीसरे नंबर पे होता है वो पहले पे चला जाता है, तो यहाँ पे ऊपर चला गया जी टेन अल्फा टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और नीचे आ गया मेरे पास टेन अल्फा और टेन बीटा, दरमियान में प्लस है। तो अब आपने बेटा क्या करना है, जो तीसरे होता है वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब आपने बेटा क्या करना है कि ऊपर भी और नीचे भी टेन अल्फा टेन बीटा को डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखना है डिवाइड टेन अल्फा टेन बीटा, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। यानी कि डिवाइड करने लगे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो यहां पर भी ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं जी टेन अल्फा टेन बीटा को इसके नीचे, लहदा लहदा काट लें एक स्टेप में, फिर एक और स्टेप बढ़ जाएगा। इसके नीचे भी लहदा काट लें डिवाइड टेन अल्फा टेन बीटा आ गया, और इसके नीचे भी काट लें टेन अल्फा टेन बीटा। ये हमने ऊपर काट लिया, अब नीचे भी करना है। इसके नीचे भी लगाएंगे, इसके नीचे भी टेन अल्फा के नीचे हम लगाएंगे जी टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा आ गया बेटा, प्लस टेन बीटा यहाँ पर, तो इसके नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा जी टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो वन ओवर टेन अल्फा टेन बीटा, ये तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ठीक हो गया, और ये ऐसे कैंसिल हो गए, हमारे पास माइनस वन आ गया। और नीचे ये देखे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन ओवर टेन बीटा है, तो वन ओवर टेन बीटा क्या आ जाएगा, कॉट बीटा, और आ गया आ रहा है प्लस, तो बीटा बीटा कैंसिल, वन ओवर टेन अल्फा, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा टेन अल्फा, वो उल्ट वन ओवर टेन अल्फा किसका उल्ट होता है, कॉट अल्फा का। लिहाजा ये तरतीब लगा लें, अल्फा को पहले लिख रहे हैं कॉट बीटा, लिहाजा ये हमारे आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुके हैं राइट हैंड साइड। अब मैं इसको नए मेथड से करता हूँ, बहुत ही आसान है, ये भी मेथड बहुत आसान है, इससे करना चाहे तो इससे कर लें। लेफ्ट हैंड साइड है, ये सेम ही क्वेश्चन है, इस तरीके से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा लिखता हूँ मैं कॉट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो कॉट किसका होता है, कॉज ओवर साइन, इसका जो फार्मूला होता है कॉज ओवर साइन, ये हमने लिख लिया जी कॉज ओवर साइन। अब सिंपल आपने बेटा फार्मूला लगाना है, फार्मूला कॉज का ओपन करें, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा का, क्या है जी कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस हो तो प्लस आ जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नीचे साइन का फार्मूला लगाएं जी साइन अल्फा कॉज बीटा, माइनस होगा तो माइनस ही आएगा इस साइन वाले में, तो कॉज अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, कॉज अल्फा साइन बीटा आ गया। इसी तरह बेटा ऊपर भी और नीचे भी आपने किस पे डिवाइड करना है, साइन कॉज पे, साइन अल्फा पे और साइन बीटा पे, ताकि ये कॉट बने। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, डिवाइड साइन अल्फा साइन बीटा न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत ही आसान है, यहां पे करते हैं डिवाइड कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज बीटा लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने डिवाइड करना है जी साइन अल्फा साइन बीटा को, इसके नीचे भी हमने क्या किसको डिवाइड करना है जी साइन अल्फा और साइन बीटा को, साइन अल्फा और साइन बीटा को। नीचे भी बेटा हमने क्या करना है, इसके नीचे भी किसको डिवाइड करना है जी, ये साइन अल्फा कॉस बीटा लिखा हुआ है, इसके नीचे भी डिवाइड करना है साइन अल्फा और साइन बीटा को, और आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इसके नीचे भी बेटा हमने किसको डिवाइड करना है, आपके जहन में ही रहना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है साइन अल्फा और साइन बीटा को, साइन अल्फा और दूसरे को साइन बीटा को। तो ये देखें कॉज ओवर साइन, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये बन गया क्या कॉट अल्फा,
कॉस ओवर साइन बीटा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा कॉट बीटा, ठीक हो गया। प्लस ये सारे का सारा कैंसिल हो गया तो वन आ गया। नीचे भी ये देखें, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस ओवर साइन कॉट बीटा आ गया, और माइनस, और ये क्या कौन सा कैंसिल होता है, बीटा बीटा और कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा यानी कॉट अल्फा। ये देखें कितनी आसानी से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया बेटा किसके राइट हैंड साइड को, जिस मर्जी मेथड से कर लिया। इंशाल्लाह करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हमने दो क्वेश्चन कर लिया, तीसरा पार्ट भी मैं करने लगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बेटा हम लेंगे, बहुत ही आसान है, इसकी जगह वैल्यू बस लगा दें डायरेक्ट कर, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा और टेन बीटा की जगह क्या आ जाएगा जी, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। इसी तरह बेटा नीचे भी हमने ऐसे वैल्यू लगा देनी है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ऊपर एलसीएम लिया जाए तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम। तो यहाँ पर आपको पता है इसको इसके साथ जरूर करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे जी। पहले तो लिख लें साइन अल्फा और क्या कॉस बीटा आ गया, और प्लस फिर कॉस अल्फा को लिख लें और क्या आ गया साइन बीटा। नीचे भी एलसीएम इसी तरह बेटा लेंगे, नीचे चीज सेम होती तो फिर आपको पता है ऊपर वाले लिख लेते हैं। अब नीचे फिर इसी तरह साइन अल्फा क्या आ रहा है, कॉस बीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा आ रहा है बेटा इसको इसके साथ, और साइन है बीटा। नीचे उसी तरह इसको इसके साथ अब करेंगे तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए बेटा, ऊपर फार्मूला देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ऊपर फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, और नीचे फार्मूला बेटा बन रहा है साइन, दरम्यान में माइनस है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो बेटा हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इस लेक्चर में लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन अल्फा की वैल्यू ये है 4/5 कॉस बीटा की एंड 40/41, वेयर अल्फा जो है वो लाइज का रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि वो कह रहा है जीरो से बड़ा है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिटेल से ही, ये देखें 0 90, यहाँ पे होता है 180, मतलब ये होता है पाई ओवर 2, ठीक है, और ये होता है पाई। जीरो और जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में, अल्फा पहले पे हो गया, और बीटा ये देखें जीरो से बड़ा है। अब दूसरे में उसने बीटा जो है ना यहां पर लिखा हुआ था, ये गलती से मैंने लिख दिया पाई ओवर 2, 90 से बड़ा है, जिसकी तरह इनक्वालिटी का मुंह खुला होना, ऐसे मुंह खुला है इसकी तरह, मतलब बीटा भरा है, जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा दूसरा क्वाड्रेंट। अल्फा लाइज का है, यहां पर मैं लिखता हूं ना यहां पर, ये यहां पर साथ ही लिख लें 4/5, और यहां पर लिखें अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है क्वाड, और यहां पे हमने साथ बीटा मैं लिख लेता हूं साथ ही, कॉस बीटा की वैल्यू दी है, तो बेटा कॉस बीटा की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, कॉस बीटा 40/41, और साथ लिख लेता हूं बीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, सेकंड पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, फाइंड असल में ये प्रूफ करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा इसके लिए हमें चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके लिए साइन अल्फा तो है कॉस चाहिए, तो कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, सिंपल बहुत आसान है। कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, तो वैल्यू लगाते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 4/5 है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16/25, एलसीएम आपको पता है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और नीचे 25 आ गया, इसको माइनस किया तो बेटा 9/25, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, तो हमने लगाना स्क्वायर रूट लेना है, तो इधर प्लस माइनस लगाते हैं, इधर ये कैंसिल हो गया, तो कॉस जहां पे क्वाड्रेंट का जिक्र हो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, तो यहाँ प्लस माइनस इसका परफेक्ट स्क्वायर 9 का 3 आ गया और 25 का 5। साइन सिलेक्ट करना है तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो कॉस अल्फा फिर पहले के अंदर क्या होता है, कॉस अल्फा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव इसका जवाब आ जाएगा, तो कॉस अल्फा का बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, कॉस अल्फा का हमारे पास बेटा आंसर आ गया पॉजिटिव 3/5, ये हमने कॉस का भी निकाली, इसी तरह हम साइन का भी यहां पर निकाल लेते हैं, फिर यहां पर ही फॉर्मूला लगा लेंगे,
यहां पे निकाल लेते हैं इसका साइन कॉस बीटा हमारे पास है तो इससे साइन बीटा निकाल लेते हैं। वो साइन बीटा किस तरह निकालेंगे, साइन स्केयर बीटा किसके बराबर आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्केयर बीटा के, तो वन माइनस कॉस स्केयर की वैल्यू हमारे पास है 40/41, इसका स्केयर रूट है 1 माइनस 40 का स्केयर होता है बेटा 1600 और 41 का होता है 1681, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1600 बेटा 81 और इसको इसके साथ माइनस 1600 और नीचे आ गया 1681, ऊपर इसको माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा यानी 81 और नीचे 1681, ये हमारे पास आ रहा है साइन स्केयर बीटा की वैल्यू। दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, साइन बीटा का बेटा जवाब आ गया हमारे पास प्लस माइनस 9, इसका परफेक्ट स्केयर 9 होता है और नीचे इसका परफेक्ट स्केयर 41। साइन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे जी, बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो बेटा 100 तो फिर सेकंड के अंदर साइन क्या है, तो साइन बीटा इज पॉजिटिव क्योंकि उसके अंदर होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस साइन थीटा फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन बीटा की बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 9/41। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला मैं लिखता हूं बेटा यहां पे, सवाल जो हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला ओपन करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वैल्यू लगाता हूं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू मैं लगा रहा हूँ साइन अल्फा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है 4/5, कॉस बीटा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है 40/41, माइनस कॉस अल्फा की बेटा वैल्यू क्या है जो कि उसने दी थी, कॉस अल्फा की हमने निकाली थी सॉरी 3/5, और हमारे पास साइन बीटा की यहाँ पे हमने निकाली है 9/41, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 160, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 205, माइनस ये आता है 27 और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 205, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे आपको पता सेम हो तो मैं कहता हूँ ऊपर वाले जैसे हैं वैसे लिख लो, 160 माइनस 27, फाइनली बेटा हमने प्रूफ कर लिया ये 135 बराबर आ चुका है 205 के, साइन अल्फा माइनस बीटा का जवाब जो है ये हमारे पास फाइनल प्रूफ हो चुका है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।